आदरणीय भगवान, आजकल क्विक कॉमर्स का जमाना है। छोटी छोटी कंपनियां जो कि कल पैदा हुई, अंडे से बाहर निकली, उनके वैल्यूएशन सातवें आसमान पर चढ़े हुए हैं। क्विक कॉमर्स कंपनियों को देखते देखते लोगों ने डीमार्ट की कुटाई कर दी। आज जो जमाने में लहर चल रही है क्विक कॉमर्स कंपनियों की, यही हालत थोड़े समय पहले फिनटेक्स की भी हुआ करती थी। फिनटेक, भाई साहब, नाम ही काफी था। फिनटेक के नाम से कंपनी बना लीजिए, अनाप शनाप वैल्यूएशन ले लीजिए। लेकिन आज फिनटेक्स को दिन में तारे दिखा दिए आरबीआई ने। दरअसल ये फिनटेक्स अनाप शनाप ब्याज दरों पर कर्जा बांटते थे। 35-40% सालाना ब्याज दर थी जनाब। इतना ब्याज अगर आप वसूलोगे तो कस्टमर कहाँ चुका पाएगा लोन, आप बताइए। और करेला नीम इसलिए चढ़ गया क्योंकि इन कंपनियों ने अनसिक्योर्ड लोन बांटे। मतलब लोन ले जाओ, भले ही गिरवी कुछ भी ना रखिएगा। तो ऐसे लोन तो बांटे गए, कंपनी ने लोन डिसबर्सल में ग्रोथ भी करी। अब चूंकि लोन बढ़ रहा था तो कंपनियों को वैल्यूएशन भी अनाप शनाप मिले। बेइंतहा निवेशकों ने इन फिनटेक्स में पैसा भी डाला। लेकिन इस प्रकार के गोरख धंधे से पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिस्टम है वही चकनाचूर हो गया। परिणाम स्वरूप सिस्टम लड़खड़ाता हुआ, टूटता हुआ देखकर आरबीआई ने चाबुक फटकार दिए। एक नहीं, चार चार फिनटेक्स पर रोक लगा दी कि तुम कर्जा अब नहीं बांट सकते। पहले आरबीआई के नियम कायदों का पालन कीजिए। समस्या दोस्तों यही है कि आप अनाप शनाप दर पर अगर ब्याज दर बांटेंगे तो इन कंपनियों का धंधा भले ही चढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो कस्टमर है उसका तो खून पसीना निकल जाएगा। और अगर इस तरह का हाई इंटरेस्ट रेट वाला अनसिक्योर्ड लोन बढ़ता रहा तो देर सवेर इन कंपनियों की भी लौटिया डूब जाएगी। तो रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये बात जरूर है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पर बैन लगा तो उसका मालिक जो मनापुरम फाइनेंस है उसका शेयर आज 10-15% टूट गया। तो आरबीआई का ये जो भी कदम है उसे अगर मार्केट की नजर से देखा जाए तो वो नेगेटिव जान पड़ता है, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि के लिए, पूरे के पूरे सिस्टम के स्थायित्व के लिए, टिकाऊपन के लिए आरबीआई ने बहुत सही कदम उठाया है। अब रही बात यह कि कमजोर मार्केट था, ऊपर से आरबीआई ने धक्का लगा दिया, तो आरबीआई अपने कदम उठाने के पहले शेयर मार्केट का काउंटर नहीं देखता। रही बात ये जो फिन टैक्स हैं, इनकी अनाप शनाप ग्रोथ के बारे में आरबीआई पहले से ही चिल्ला चोट मचा रहा था, खतरे की घंटी बजा रहा था, किसी ने नहीं सुनी तो आज आरबीआई ने कहर ढा दिया। अगर रेगुलेटर बीच में ना आए तो ये फिनटेक्स तो पूरे देश को बेच खाएं। मान्यवर, ये सत्यता है, कड़वी सच्चाई है, स्वीकार करना होगा। और चूंकि रेगुलेटर्स भारत में अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए भारतीय शेयर मार्केट को लेकर मेरा भरोसा बरकरार है। गिरावट में अच्छे शेयर सस्ते एवं वाजिब दाम पर मिल रहे हैं, डिस्काउंट की सेल चल रही है। तो किस शेयर को किस दाम पर खरीदा जाए उसकी रिकमेंडेशन मैं लगातार अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ। आपसे भी करबद्ध निवेदन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमंत।